हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। तो आपका रिजल्ट कब आएगा? बहुत ज़्यादा लोग जो बच्चे हैं वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, सबका यही है कि कब रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम्स तो जैसे तैसे आपके चले गए, कुछ जो होना था हो चुका। अब बात करते हैं क्लास टेंथ की, पहले बाद में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की। तो टेंथ का जो रिज़ल्ट है वो बस समझो कि आने ही वाला है। ऊपर वाले से प्रे करो कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हम भी आपके लिए पूरी प्रे करेंगे, पूरी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। और आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी महीने में आने के पूरे पूरे आसार हैं। अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो इस आपको आपका जो रिज़ल्ट है इसी मंथ में आने के चांस हैं, जून में ही लास्ट में आने के पूरे पूरे चांस हैं। ज़्यादा होगा तो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले पहले, मतलब ये समझ लो कि 30 से 2-3 दिन पहले या 30 से 2-3 दिन बाद, ठीक है। मतलब 2-3 दिन अगले महीने के ले लो और 2-3 दिन इस महीने के लास्ट के ले लो, उनके आसपास ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ की। तो क्लास ट्वेल्थ के लिए पहले तो आपको बता दें कि रिजल्ट का जो आपका अभी कॉपियाँ चेकिंग हो रही है, लगभग 20 लाख के आसपास कॉपियाँ हैं जो आपकी चेकिंग चल रही है। तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका जो है लगभग 15 से 20 दिन या 25 दिन भी लग सकते हैं अभी कॉपियाँ चेक होने में। तो आप मान के चल सकते हैं कि लगभग लगभग जुलाई के थर्ड वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। मोटा मोटा सा अगर हम बात करें, वो फिक्स डेट कोई अभी नहीं आई है, जैसे ही कुछ और न्यूज़ आएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। और तो आपका जुलाई के थर्ड वीक, लेकिन जुलाई के थर्ड वीक मत समझना, तो जुलाई के लास्ट वीक आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक में या फिर थर्ड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और या अब आप खाली मत बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना। और अच्छी बात है कि अगर आपको कैरियर के बारे में अभी से सोचना है तो कैरियर काउंसलिंग की हमने लगभग 30 वीडियोज़ बना रखी हैं, जिनमें हमारी ट्वेल्थ के बाद क्या करें एक ऐसी वीडियो जो 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो उसको आप भी देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी वो। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद क्या करें, तो आपको थर्ड नंबर पे या दूसरे नंबर पे आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप उसको जरूर देखें, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, आप कुछ भी हेल्प चाहते हैं मुझसे, तो जैसे मैंने आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प की थी, तो अब भी हम आपकी हेल्प करेंगे एक बड़े भाई के तौर पे या फिर टीचर्स के तौर पे। तो आप कमेंट जरूर करें नीचे। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का नीचे, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो करें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। अपने इस टाइम को वेस्ट ना करें, ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बाद में जाके इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलती है। तो आप कैरियर काउंसलिंग की वीडियो ज़रूर देखें। और सभी सब लगभग लगभग हमने बना रखी हैं, जैसे कि BSc पे, BA पे, BCom पे, BTech पे, और नीट के लिए भी है, BSc नर्सिंग के लिए भी है, और एयरफोर्स में जाने के लिए भी है। ट्वेल्थ के बाद कौन सी जॉब्स एकदम से आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट 10 जॉब्स कौन कौन सी हैं, तो इस तरह की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में जाके भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ट्वेल्थ कैरियर ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।